नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का बड़ा दावा मध्य प्रदेश के सियासी संकट के बीच में आया है। बेंगलुरु में मौजूद सभी विधायक वापस लौटेंगे, ये दावा किया गया है डीके शिवकुमार की तरफ से। और ये कह दिया कि ये जो सब चल रहा है ये अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, इसे आपस में ही हम निपटा लेंगे। बेंगलुरु में मौजूद है 22 विधायक कांग्रेस के और इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया। अब डीके शिवकुमार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है और आपस में इसे सुलटा लिया जाएगा। सभी कांग्रेसी विधायक घर वापसी करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर, डीके शिवकुमार साथ ही साथ सज्जन वर्मा जो कि जिम्मेदारी निभाते हुए पहुंचे बेंगलुरु कांग्रेस विधायकों से बात करने के लिए, उनके मान मनोबल के लिए। और इसी बीच डीके शिवकुमार दावा ये कर रहे हैं कि जितने भी कांग्रेसी विधायक हैं, इस्तीफा जिन्होंने दिया कि अंदरूनी मामला है और आपस में इसे सुलटा लिया जाएगा। सभी कांग्रेसी विधायक घर वापसी करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर, डीके शिवकुमार साथ ही साथ सज्जन वर्मा जो कि जिम्मेदारी निभाते हुए पहुंचे बेंगलुरु कांग्रेस विधायकों से बात करने के लिए, उनके मान मनोबल के लिए। और इसी बीच डीके शिवकुमार दावा ये कर रहे हैं कि जितने भी कांग्रेसी विधायक हैं, इस्तीफा जिन्होंने दिया है उनकी वापसी अब हो रही है, वो घर लौटेंगे। ये बड़ा दावा डीके शिवकुमार की तरफ से किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरीके का सियासी संकट है भोपाल में, उसको लेकर स्ट्रेटेजी तैयार हुई और ये बड़ी जिम्मेदारी डीके शिवकुमार और सज्जन वर्मा को दी गई जो कि दोनों ही बेंगलुरु में पहुंचे और वहां जाकर जानकारी ये कि कांग्रेस विधायकों से संपर्क साधा गया, उन्हें मनाने की कोशिश हुई। और इसी बीच डीके शिवकुमार कांग्रेस नेता ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि जितने भी मौजूद विधायक हैं बेंगलुरु में वो सभी वापस लौटेंगे। जो भी मतभेद अब तक सामने आ रहे थे, जो भी आंतरिक कलह की बातें थी, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और उसे हम बैठकर सुलझा लेंगे। साथ ही साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर की, जहां पर गाड़ी उनकी खड़ी हुई है। पहले 12:30 बजे का वक्त था लेकिन जेपी नड्डा किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते डिले हो गए हैं, देर हो गई है उन्हें, और वो अब देर से बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और जो ताजा अपडेट है वो ये कि 1:30 बजे तक पहुंचना ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी था और 2 बजे वो बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे। बेंगलुरु में मौजूद सभी जो कांग्रेसी विधायक हैं उनके संपर्क में डीके शिवकुमार बने हुए हैं, सज्जन वर्मा बने हुए हैं। और अब ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि जो 22 विधायक इस्तीफा दे चुके थे वो अब लौटेंगे। और इस बीच बेंगलुरु से लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ऐश्वर्य जैन, मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जिस तरीके का दावा डीके शिवकुमार कर रहे हैं, सच्चाई उसमें क्या है? क्या वाकई घर वापसी हो रही है? जी, कहीं ना कहीं जो बयान सामने आ रहे हैं उनसे तो नहीं लगता है। जो जानकारी सामने आ रही है, सज्जन कुमार वर्मा पहले कल बेंगलोर पहुंचे थे, रात में उन्होंने वो रिसोर्ट भी आए, डीके शिवकुमार से उन्होंने मुलाकात करी, विधायकों से भी मुलाकात करी और वो भोपाल लौट गए। उनका कहना था कि अब वो जयपुर जा रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को लेकर और फिर दोबारा वो बेंगलोर आएंगे। उनका ये दावा है कि विधायकों से बात हो चुकी है और उन्होंने मन मना लिया है कि वो कहीं ना कहीं घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको साउंड बाइट सुनाई है, ये मनोज चौधरी जो विधायक है हथपिपलिया से, इनका बयान है कि हम महाराज के साथ थे, महाराज के साथ हैं और महाराज के साथ रहेंगे। महाराज से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और जो भी उनका फैसला होगा वो सर्वप्रिय होगा सभी के ऊपर। यानी उनका दावा अभी भी यही है कि जितने भी 19 विधायक अभी जो बेंगलोर के रिसोर्ट में हैं, वो सारे के सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं और जो भी सिंधिया फैसला लेंगे, जो भी इशारा करेंगे, उसी के मुताबिक काम करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी इस बात पे मन बनाई हुई है और दावा भी वो लोग कर रहे हैं कि जितने भी रूठे हुए विधायक हैं उनको मना लिया जाएगा और कमलनाथ सरकार कहीं ना कहीं गिरने नहीं वाली है, वो वापस सारे के सारे आ जाएंगे। लेकिन ये बाइट दर्शाती है, ये विधायक का बयान दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी ये 19 विधायक हैं जो सिंधिया के साथ जुड़े हो सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको खबर दी थी उसमें भी यही बात मैंने आपको बताई थी कि 7 विधायकों ने तो ये बात कह दी है कि सिंधिया अगर कहते हैं कि बीजेपी में शामिल होना हो जाए तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और सिंधिया से नाराज नहीं है। नजर आप बना के रखिएगा। साथ ही साथ खबर ये भी कि बेंगलुरु में जो विधायक वहां पर ठहरे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दो फाड़ हो गए हैं, अलग अलग राय है इस पर भी आप अपडेट
बजट जुटाइएगा, आगे आपसे जानकारी मिलूंगी। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर लगातार आदित्य नायर संवाददाता बने हुए हैं और